बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। इफ द वायर मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द अप्रोक्सीमेट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। साइन 40 इक्वल टू 0.642। बेटा 2015 एमडी गेट में आया हुआ बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल। तो मेरे भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत एफ बराबर किसके होता है, भिल के। बी 0.3 टेस्ला दिया हुआ है हमें, ठीक है भाई, और करंट 10 एम्पेयर ये लिख दिया। एल 20 सेंटीमीटर है और ज़ाहिर है साइन थीटा से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन 40 की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 0.642। अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करो ये तो 3 हो जाएगा, 20 और 100 एक ज़ीरो कैंसिल, 0.64, 3 ज़ा 6 बच्चों, 3 2 ज़ा 6, 6 ज़ा 36 होता है। 0.6 है तो ये तकरीबन 3.6 से कुछ बड़ा, क्योंकि देखो अगर यहाँ 0.6 होता और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कुछ बड़ा हो सकता है ये, लाइक 3.8 3.9 कुछ ऐसा हो सकता है। बहरहाल इसे भी 10 से डिवाइड भी करना है, तो आंसर जो है ये तकरीबन 0.36 0.37 0.38 0.39 के आसपास होना चाहिए। ऑप्शन में देखें 2.71 हो ही नहीं सकता, 0.39 बिल्कुल 100% चांस है, ना ये हो सकता है ना ये ना ये। और वैसी बात है 3.6 को 10 से डिवाइड करना है, या 3.6 एक्यूरेट नहीं, ज़ाहिर है चूँकि 0.6 ही जा 0.642 है, क्या होता 3.7 3.8 3.9 कुछ ऐसे ही, 3.6 से बड़ा, तो आंसर कुछ 0.37 38 39 के आसपास एक ही ऑप्शन है आंसर आ जाएगा। फिर एक बड़ी अच्छी MCQ है, AC वोल्टेज मेजर V0 वोल्ट्स इन अ सर्किट, इट्स पीक वैल्यू इज गिवन बाय, तो ये होता है √2 V0, ठीक है जी। ये करेक्शन कर लीजिएगा बुक में भी, √2 V0।